Real life. हेलो गाइस, वंस अगेन आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट मिस्टर राज और आज हम लेके आए हैं टॉप 5 वेब सीरीज, वो भी रोमांटिक। तो ये वीडियो बड़ी ही मजेदार होने वाली है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। ये टॉप 5 रोमांटिक वेब सीरीज हमने IMDb रेटिंग और गूगल लाइक्स के हिसाब से अपने टॉप 5 में जगह दी है। तो चलिए जानते हैं टॉप 5 वेब सीरीज में कौन कौन सी सीरीज है। नंबर 1 पे है 365 डे। ये सीरीज 2020 में रिलीज हुई थी। एक ऐसी डॉन फैमिली के है जिसका अंडरवर्ल्ड में बहुत बड़ा नाम है। एक दिन वो लड़का बीच पर एक खूबसूरत लड़की को देख लेता है और उसकी खूबसूरती का दीवाना हो जाता है, पर वो नहीं जानता कि वो लड़की कौन है, कहां से आई है और किसके साथ है। फिर वो लड़का उसे ढूंढने के लिए पूरी ताकत लगा देता है और उसे ढूंढ लेता है। उसके बाद उसके घर जाके उसको किडनैप कर लेता है, उसके आइलैंड पे ले जाता है जहां पर उसका घर था। वो लड़की लड़के को इग्नोर कर देती है, कितना भी मनाने पे बार बार इग्नोर ही करती है, पर वो लड़का उसे जाने नहीं देता और उसे 365 दिन का वक्त देता है ताकि वो उसे अपना बना सके। फिर आगे क्या होता है वो तो आपको ये वेब सीरीज देख के ही पता चलेगा। ये सीरीज 2020 में रिलीज हुई थी। IMDb रेटिंग पर इस सीरीज को 10 में से 4.9 की रेटिंग मिलती है। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में इस सीरीज ने $9.6 मिलियन की कमाई की है। इसके बाद नंबर 2 पे है आफ्टर वी फेल। ये वेब सीरीज 2021 में रिलीज हुई थी। इस वेब सीरीज में आपको रोमांस के साथ साथ ड्रामा भी देखने को मिलेगा। ये पूरी सीरीज के 2 पार्ट्स ऑलरेडी सक्सेस हो चुके हैं, इसके बाद ये तीसरा पार्ट बनाया गया है। तो चलिए इस सीरीज की थोड़ी स्टोरी जान लेते हैं। इस सीरीज की शुरुआत में हमें एक कपल को दिखाया जाता है जो एक दूसरे को बेइंतहा लव करते हैं, पर लड़की को दूसरे शहर में जॉब लगने के कारण उसे वो सिटी छोड़ के दूसरी सिटी में जाना पड़ता है। उसके बाद धीरे धीरे उन दोनों में दरार पड़ने लगती है और आगे क्या होता है, वो दोनों कैसे मिलते हैं, वो सब आपको सीरीज के अंदर पता चलेगा। तो आप चाहिए और ये सीरीज जरूर देखिए। इन सभी सीरीज के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप वहां से आसानी से देख सके। ये सीरीज 2021 में रिलीज हुई थी। IMDb रेटिंग पर इस मूवी को 10 में से 4.7 की रेटिंग मिलती है और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में $2.1 मिलियन की कमाई की है। नंबर 3 पे है डॉन जॉन। ये सीरीज 2013 में रिलीज हुई थी। ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जो ब्लू फिल्म का दीवाना था और डेली ब्लू फिल्म देख के मास्टरबेट करने के बाद ही उसे सोने की आदत थी। एक बार वो लड़का किसी पब में जाता है जहां पर वो एक ब्यूटीफुल लड़की को देख लेता है और उसे प्रपोज करने की कोशिश करता है, पर वो लड़की उसे इग्नोर करके चली जाती है। फिर वो लड़का किसी दूसरी लड़की के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है पर उसे उसमें मजा नहीं आता। फिर वो अपना लैपटॉप खोल के ब्लू फिल्म देख के मास्टरबेट करके ही सो जाता है। ये वेब सीरीज बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप एक बार जरूर देखिए। आपको एक के बाद एक सस्पेंस मिलते जाएंगे, आपको ये वेब सीरीज एक पल के लिए भी को बोर नहीं होने देंगी। तो जाइए और एक बार जरूर देखिए कि ये डॉन जॉन की ये आदत छूटी या नहीं। ये सीरीज 2013 में रिलीज हुई थी। IMDb रेटिंग पर इस सीरीज को 10 में से 6.5 की रेटिंग मिलती है। इस सीरीज का टोटल बजट था $30 मिलियन और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में $39.4 मिलियन की कमाई करके हमारी टॉप 5 में एंट्री ले ली है। इसके बाद नंबर 4 पे है लंदन फील्ड्स। ये सीरीज 2018 में रिलीज हुई थी। इस सीरीज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो चलिए इसकी थोड़ी स्टोरी जान लेते हैं। इस सीरीज की शुरुआत में एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका अभी मर्डर होने वाला है क्योंकि ये सस्पेंस है। उसके बाद कहानी 2 दिन फ्लैशबैक में चली जाती है कि आखिर इसका मर्डर क्यों होने वाला था। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि लंदन में दंगा हो गया था और इस दंगे का कारण एक माफिया डॉन होता है। इसमें हमें एक गैम्बलर को दिखाया जाता है जो दंगे और घोटाले करने में माहिर है। तभी वहाँ पर वो खूबसूरत लड़की आती है जिसका अभी मर्डर होने वाला था। आखिर इस लड़की का मर्डर क्यों होता है, कौन करता है और किस लिए करता है, वो आपको वेब सीरीज देख के ही पता चलेगा। तो जाइए और एक बार जरूर देखिए। ये सीरीज 2018 में रिलीज हुई थी। IMDb रेटिंग पर 10 में से 2.9 की रेटिंग मिली है। इस सीरीज का टोटल बजट था $8 मिलियन और इस सीरीज को $48 मिलियन की कमाई करके हमारी टॉप 5 सीरीज में एंट्री ले ली है। इसके बाद नंबर 5 पे है लव।
ये सीरीज 2015 में रिलीज हुई थी। इस सीरीज की स्टोरी एक नंबर है। ये सीरीज तो आपको एक बार जरूर देखनी चाहिए कि एक फैमिली में एक दूसरे को कैसे समझना है और एक दूसरे को कैसे सपोर्ट करना है वो दिखाया जाता है। तो चलिए इस सीरीज की थोड़ी स्टोरी जान लेते हैं। इस सीरीज की शुरुआत में हमें एक कपल को दिखाया जाता है जो अपने लाइफ से बहुत ही खुश होते हैं। एक दिन उस लड़के को एक कॉल आता है। एक कॉल उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड की माँ का होता है। वो कॉल पे बताती है कि जिया पिछले 3 महीने से गायब है और उसने कई बार सुसाइड करने की भी कोशिश की है। और वो कहती है कि क्या तुम्हें पता है वो कहाँ है। ये एक सस्पेंस थ्रिलर सीरीज है और आगे दिखाया जाता है कि इसके कारण लड़का लड़की में दरार पड़ जाती है और उसकी खुशी भरी जिंदगी में कैसे आग लग जाती है वो तो आपको ये सीरीज देख के ही पता चलेगा। तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको सभी वेब सीरीज की लिंक मिल जाएगी जहाँ से आप डायरेक्ट देख सकते हैं। ये वेब सीरीज 2015 में रिलीज हुई थी। IMDb रेटिंग पर 10 में से 4.9 की रेटिंग मिलती है। इस सीरीज का टोटल बजट था $4 मिलियन और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में $52.5 मिलियन की कमाई करके नंबर 1 पे हमारा स्थान ले लिया है। तो ये थी टॉप 5 रोमांटिक वेब सीरीज। आप बताइए कि आपने इनमें से कौन सी देखी है और आप कौन सी देखना चाहती है। तो मैं इजाजत लेता हूँ, हम अगले वीडियो में जरूर मिलेंगे। टेक केयर, बाय बाय।